हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। ये है टॉय रिव्यू वीडियो और इसमें मैं रिव्यू करने वाली हूँ बहुत ही अच्छे टॉय का, जो मैंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया और इवान को बहुत पसंद आया। तो जिस टॉय की बात कर रही हूँ मैं, वो है ये फिजेट्स, बबल फिजेट्स बोलते हैं इनको, पॉप कर सकते हैं हम बबल्स इसमें। तो सबसे पहले बता दूं कि है क्या। तो ये चार शेप आई थी इसके साथ, ये है एक हार्ट शेप, उसके बाद आया था ये ऑक्टागन जिसमें बबल्स बने हुए हैं आपको दिख रहे हैं, एक सर्कल शेप आई है ये वाली, और साथ में आया है ये रेक्टेंगल। तो ये चार शेप आई हैं, ये बबल्स इसमें बने हुए हैं। तो इसका क्या यूज है, क्यों मैंने टॉय वन को इंट्रोड्यूस किया? सबसे पहले तो बच्चे की मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग इससे इंप्रूव होती है, मोटर स्किल्स इंप्रूव होती है, बच्चा जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री हो जाता है, एकदम रिलैक्स करता है, उसकी एंजाइटी सारी दूर हो जाती है, बहुत देर तक बच्चा इसमें इंगेज रहता है। और जो ये पॉपिंग साउंड होती है ना, ये बड़ी उसको अच्छी लगती है बच्चों को। हम बचपन में हम भी जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता था घर में तो उसमें बबल रैप जो निकलता था तो उसको फोड़ते थे ना हाथ से, बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट देता है ये जो ये वाला टॉय है। तो इसलिए मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया और सच में उसे बहुत अच्छा लगा। इवान का टॉयज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो बहुत ही अच्छा अगर कोई टॉय हो तो वो उसको बिल्कुल बांध के रख सकता है। तो इस टॉय ने वो काम किया, वो काफी इंटरेस्ट लेके इस गेम को खेल रहा है, इस टॉय से खेल रहा है। तो मुझे भी काफी अच्छा लगा कि चलो ये वाला टॉय उसे अच्छा लगा। तो क्या है ये इस तरीके के बबल्स जो हैं वो हर शेप में दिए हुए हैं, रेनबो कलर की शेप्स हैं, बिल्कुल अट्रैक्टिव शेप्स हैं, एकदम देखते ही बहुत अच्छा लगता है। और ये बबल्स यहाँ दिए हुए हैं, बच्चा जो है इसको ऐसे ऐसे करके सारे बबल्स को अपने हाथ से फोड़ता रहता है, और जैसे हम उसको फोड़ते थे बबल रैप को, इसी तरीके से हल्की सी यहाँ पे साउंड भी आती है, जो अभी आपको कैमरे में नहीं सुन रही होगी लेकिन साउंड आती है हल्की सी। तो बच्चे को बहुत बहुत मजा आता है इस तरीके से, चारों शेप्स हैं, काफी देर तक इवान इसको करता रहता है और उसे बड़ा अच्छा लगता है। आगे पीछे हो जाती है सारी चीजें इसमें, बबल्स जो है इधर करोगे तो इधर से हो जाएगा, इधर करोगे तो फिर इधर से हो जाएगा, इस तरीके से है। और सबसे मेन चीज जो पेरेंट्स के कंसर्न में रहती है वो है सेफ्टी। तो ये सिलिकन का मटेरियल है, बिल्कुल रबड़ है, सिलिकन मटेरियल एकदम सेफ है, बहुत ही बढ़िया है, नॉन टॉक्सिक है, बच्चा अगर मुंह में भी दे लेता है खेलते हुए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ये सेफ है, तो सेफ्टी की तरफ से तो बिल्कुल आपको कंसर्न करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चार शेप्स हैं, आप चाहें तो बच्चे के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आराम से 2+ के बच्चे के लिए कर सकते हैं, वो बैठा बैठा खेलता रहेगा और उसे मजा भी बहुत आएगा। तो बस मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए इन शेप्स का रिव्यू आपसे, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। और आपको पता ही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। मजा आ रहा है इवान? कैसा लग रहा है? अच्छा। नानी ना करे? नहीं। दिखाओ कैसे कर दिया आपने? इधर कर रख के करो ना, नानी को भी दिखाओ ना। अरे बाबू को तो बहुत अच्छे से आता है। तुम भी सही लग रही हो, साड़ी वाड़ी पहन के अच्छा है। नहीं, बंदर को तो देखना कितना प्यारा प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है। सारे कब में आते हैं? हाँ। आप सारे कर लेते हो? हाँ। अब इसका भी करके दिखाओ, ये क्या है? कुछ नहीं, ये तो ऐसे दबाने हैं। ये ऐसे दबाने हैं? हाँ, दबाने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छा है, बाबू को अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये कुछ अलग सा है। हाँ। तो सारे एजुकेशन